नमस्कार, मैं हूँ नीलम मौर्य। मेरे चैनल नीलम रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ लेयर्ड मटरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही कुरकुरी और खस्ता बनती है। इसको बना के आप महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लेयर्ड मटरी। लेयर्ड मटरी बनाने के लिए ये मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है और ये सूजी है। सूजी को हम 4 चम्मच डालेंगे। ये देखिए, ये बारीक वाली सूजी है, इसको हम 4 चम्मच इसमें डाल लेते हैं। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच मंगरेल डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन और नमक स्वाद के अनुसार। एक करीब मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम पहले मिला लेंगे। ये देखिए, मैंने इन सब चीज़ों को डाल के मिला लिया है। अब हम बीच में इस तरह का थोड़ा सा गड्ढा कर देंगे और इसी में हम ये गुनगुना तेल डालेंगे। ये मोयन के लिए है तेल। एक करीब 5 से 6 चम्मच तेल है। इन सब को डाल के हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, गुनगुना तेल। ये देखिए, बाइंडिंग हो रही है, इसका मतलब मोयन हमारा परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए, मैंने सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लिया है इसका। अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ढक के। अब इस तरह से हम कटोरी में थोड़ा सा तेल लेंगे। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम 3 से 4 चम्मच हम मैदा मिला लेंगे। जितना आप घी लें उतना ही आप मैदे का भी यूज़ करें। और इन सबको मिला के हमें पेस्ट तैयार करना है। ये हम मटरी बनाते समय यूज़ करेंगे, देखिए बिल्कुल ऐसे ही। तो चलिए मटरी बनाना शुरू करते हैं। तो 1/2 घंटा हो गया है, तो हमने ये जो डो लगाया था इसको हम दोबारा से अच्छे से गूँथ लेंगे थोड़ा सा। देखिए, हमने इसको गूँथ लिया है। अब इस तरह से हम थोड़ा सा लोई लेंगे, इस तरह से हाथों से घुमाते हुए हथेलियों से दबाएंगे इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही करके हम 4 इस तरह से बना लेंगे लोई। अब एक हम थाली लेंगे बड़ी, उसमें हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। बिल्कुल इसको हमें पतला बेलना है, जितना हम रोटी बेलते हैं उतना ही पतला हम इसको रखेंगे। ये देखिए इसकी थिकनेस बिल्कुल रोटी जितनी ही है। तो इसी तरह से करके हम बाकी की भी रोटियां बेल लेंगे, इतनी ही पतली चाहिए हमें। तो चलिए, अब दोबारा से ऐसे ही दोबारा हम फिर से बेल लेंगे और सेम साइज़ की हम बेल के तैयार करेंगे रोटियां। ये देखिए, तो अब हम एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर जो हमने ये बनाया था पेस्ट इसको डालेंगे। ये मैदा और जो घी का पेस्ट बनाया था उसको अच्छे से हम लगाएंगे बिल्कुल। अब इसके ऊपर हम एक रोटी और रख देंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर फिर से हम दोबारा से लगाएंगे अच्छे। ये देखिए, मैंने लगा लिया है। अब तीसरी रोटी हम रखेंगे, इसको भी हम अच्छे से लगा लेंगे। हमें चारों तरफ अच्छे से लगाना है। तो बस अब साइड में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, जिससे जो हम इसको रोल बनाएंगे तो अच्छे से चिपक जाएगा। तो हम एक साइड में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको ऐसे ही रोल बनाएंगे, ऐसे हाथों से घुमाते हुए बिल्कुल पतला ऐसे ही। और चारों तरफ हमें बिल्कुल बराबर रखना है। ऐसे करेंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ये देखिए, और जो हमने पानी लगाया है उसकी वजह से ये चिपक जाएगा। और हथेलियों से थोड़ा सा ऐसे दबाते हुए इसको हम थोड़ा बड़ा सा शेप दे देंगे। ये देखिए, इसको ऐसे ही करके हम थोड़ा सा बड़ा शेप दे देंगे। तो चलिए, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो साइड का है, पहले इसको हम काट के निकाल लेंगे, उसके बाद हम बराबर हम मटरी वो काटेंगे। पहले बीच से हम काट लेंगे तो हमें काटने में आसानी होगी। तो लीजिए, इस तरह से हम करके एक एक 1.5-1.5 इंच के गैप में हम इसको काटेंगे। देखिए, हमने इसको काट लिया है। इसमें देखिए लेयर कितनी अच्छी आई है। तो चलिए, अब हम मटरी को शेप देते हैं, इसको हम साइड में कर देंगे।
ये देखिए इसको हथेलियों से थोड़ा सा हम दबाएंगे और बेलन की सहायता से इसको हल्के हाथ से हम बिल्कुल बेलेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं बेलना है, देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से। ये देखिए इसका लेयर कितना अच्छा लग रहा है देखने से। बिल्कुल ऐसे ही करके हम बाकी की भी मटरियाँ ऐसे ही बेलेंगे, हथेली से दबाते हुए हल्के हाथ से हम बेलन से इसको घुमाते हुए बेलेंगे। तो अब गैस पे गर्म होने के लिए हम तेल रखेंगे। तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, देखिए तेल मीडियम गर्म है। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो मटरियाँ जल जाएंगी और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। अब देखिए मटरी ऊपर आना शुरू हो गई है, इसको हम दूसरे साइड से टर्न कर देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से मटरी सिक जाए। इसको घुमाते हुए हमें दोनों तरफ अच्छे से तल लेना है। इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। इसको सेकने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको आप बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ इसको तलिएगा। अगर आप हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ये जल जाएंगी और अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी और एक कुरकुरी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए इसका कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पास से, देखिए बिल्कुल ऐसे ही करके हम बाकी की भी मटरियाँ तल लेंगे। तो चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। तो लीजिए हमारी लेयर्ड मटरी बनकर तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए।